और ये चेक करें बॉयज, ये खड़ा है आप लोगों का सरप्राइज। और तो ले जी, ये आ गए आपके एफएक्स प्रोजेक्ट के पास में। गोल्डन पर्ल है और साथ हमारा ब्लैक पेंट है। एक दफा फिर हम लोग RX-8 के हेवन में पहुंच गए हैं। और ये चेक करें इन्होंने तो भाई ओरिजिनल जी खड़ी की हुई है और जीप भी तैयार कर रहे हैं। जीप के अंदर भाई K24 है। अच्छा जी, हम लोग ऊपर आ गए हैं। हम लोगों को ये फ्रंट का कट चाहिए था। देखेंगे ये जी का ट्रंक पड़ा हुआ है और ये सारी कट्स वगैरह सस्पेंशन पड़े हैं। ये तो जी बॉयज, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाई का? आप लोग सब फिट हैं? आप लोग सब सेट हैं यार? अच्छा भाई, हमेशा आप लोगों के लिए वीडियोस के लिए नए नए सरप्राइजेस लाता है। आज आपका भाई आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज ले आया है। अभी कैमरा घुमाएगा, आपको वो दिखाएगा। अच्छा बॉयज, उसके अलावा फर्दर सीन ये है कि हमारी जी प्रोजेक्ट का जो फ्रंट का आगे का कट था ना, वो नहीं आया दुबई से अभी तक। तो हम जा रहे हैं वापस मैकटैक, वहाँ से जाके फ्रंट का कट काट के लेकर आएंगे। FXO लगना है पेंट और हमारी क्रेसीटा को आज चुनी, इंशाल्लाह कल लेगा पेंट। कैमरा घुमाने लगा भाई, सरप्राइज बहुत मजे का होने वाला है, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। तो ब्लॉग को स्किप करने का सोचना भी नहीं है। और ये चेक करें बॉयज, ये खड़ा है आप लोगों का सरप्राइज। और अब भाई बताएगा नहीं गड्डी केड़ी है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि ये गाड़ी कौन सी है, किधर से आई है, क्या सीन है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा होगा वीडियोस के अंदर। अभी चेक करते जाएं गाड़ी को चारों तरफ से। इसको बॉयज हमने दी है मस्टैंग की शेप, मस्टैंग की शेप वाली गाड़ी है ये पूरी। प्रॉपर फ्रंट भी मस्टैंग दी है, बैक भी मस्टैंग दी है और ये अनफिनिश प्रोजेक्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं आ गया है हमारे पास। और हमारे पास आ गया तो उसका मकसद क्या है कि भाईजान अब हो जाएगा तैयार गाड़ी जो है बॉयज। ये आप लोग डैशबोर्ड से गेस कर लेंगे कौन सी गाड़ी है ये। उसके अलावा इंजन जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, 16 वॉल्व पड़ा हुआ है, ये चेक करें, ये 90s वाला जो होता है इंडस वाला इंजन वो पड़ा हुआ है 15-16 cc। पर हमारे लिए ये फारिग है, आपको पता है हमने अगर ऐसी बिल्ड करनी है तो हम उसको इंजन तो डालेंगे कोई 2 cc, कोई H22 या कोई अच्छा पावरफुल इंजन डालेंगे गाड़ी को। अब इसका जो काम रहता है, जो उन्होंने गलती की है, इसके अंदर मीन लाइक फ्रंट अच्छा बना दिया, साइड भी अच्छी बना दी, गाड़ी को टू डोर नहीं किया इन्होंने। हम कोशिश करेंगे कि अगर ये टू डोर हो सकती है तो हम इस गाड़ी को टू डोर कर दें, क्योंकि जो मस्टैंग ओरिजिनल है वो टू डोर है, उसको टू डोर कर दें तो आई थिंक सो फ्रंट शेप और बैक की शेप ऑलमोस्ट इन्होंने अच्छी बनाई हुई है, आइडेंटिकल बनाई हुई है। और उसके अलावा अगर इसके फ्रंट के बम्पर्स में आप लोगों को चेक करवाऊँ, फ्रंट और बैक के बम्पर ये पड़े हुए, ये पड़ा है जी इसका फ्रंट का बम्पर पूरा, ये देखें, और वो साथ ही इसका बैक का बम्पर पड़ा हुआ है, ये देखें। अब इसका करना आपके भाई ने क्या, आपके भाई ने करना ये कि भाई इसको कंप्लीट करना है, अनफिनिश प्रोजेक्ट है, बड़ी मुश्किल से बाहर आया, साल दो साल से फंसा हुआ था। तो कोई बात नहीं, भाई के पास आ गया तो पता है भाई की भाग दौड़ का आपको ऑलरेडी पता है। तो करेंगे इसको तैयार, इसको वाइट बॉडी किट करनी है हम लोगों ने, इसका इंजन साफ करना है, इसको हो सकता है हम टू डोर करें, इसको जब फिनिश जो करना है, देखें चीज़ शुरू करना काम नहीं होता, उसको फिनिश करके ऑनर के हाथ में देना काम होता है। तो इंशाल्लाह आपका भाई इसको फिनिश करेगा, अल्लाह के हुक्म से। आप लोग भी साथ जुड़े रहें, ऐसे ही FX दिखाते हैं आपको, FX के नीचे लुक शुक लग गई है, उसके अलावा जाके FX का पेंट लेके आते हैं, FX को पेंट लगवाते हैं। आज का आपका पेंट का ब्लॉग होने वाला है, पेंट लगवा के सीधा फिर जाते हैं, फिर बाकी काम देखते हैं। तो आप जुड़े रहें ब्लॉग के साथ। तो ले जी, ये आ गए आपके FX प्रोजेक्ट के पास। मैंने कहा आपको FX भी दिखा दें। अच्छा सिलसिला ये था, इसके उठाने की वजह ये है कि हमने कहा यार अंदर अंदर सारी इसको लुक लगा दें। इधर से तो हमने गाड़ी 4-5 साल के लिए इसको पूरा प्रॉपर कर दिया हुआ कि जाती कहीं नहीं। अब हमने कहा टायरों के अंदर और नीचे से भी गाड़ी को एक दफ़ा हम पूरा ऐसे लुक शुक लगा दें, ताकि यार गाड़ी पूरी हमारी साफ सुथरी हो जाए। और ये कि यार अब इसको रस्ट जो है वो कैच नहीं करेगा, ऐसे ही छोड़ देते तो जो हमने खर्चा किया था वो सारा हमारा ज़ाया हो जाता। तो अब चलते हैं जाकिर भाई के साथ, उनको जाके पेंट लेके देते हैं और गाड़ी को छट्टा छट्टा मरवाते हैं, उसके बाद बाकी ये काम देखते हैं। तो आप साथ जुड़े रहें। तो ले जी, जिनसे हम लोगों ने पेंट लेना था वो तो भैया जी की दुकान पर बड़ा बड़ा लगा हुआ है, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, दूसरी शॉप पे आ गए। अब होप्सों में वो सेम शेड मिल जाए, सेम शेड मिले तो भाई को पेंट दें। और भाई यार आज के दिन में इसको स्प्रे मारे हैं, बड़ा यार वो वर्कलोड है और हमारा है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करें ताकि इनको बाहर निकालें। तो चलते अंदर जाके देखते हैं कि पेंट हमें मिलता है कि नहीं मिलता ये वाला। चलें निकालें, ये चेक करें बॉयज, ये वही वाला पर्ल शेड दोबारा निकलवा ली हम लोगों ने, गोल्डन पर्ल है और साथ हमारा ब्लैक पेंट है। पहले बॉयज ये लेकर हार्डनर सेट हमने निकलवा दी है, और इसके अंदर से जो बेस्ट वाला है ना, ये ऑटो कलर वाला जैपनीज, ये आप देख सकते हैं फुल जैपनीज ऊपर लिखी हुई है, ये FX को कोई भी नहीं लगाता अगर हम ये लगा रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा पेंट भी हम लोगों ने निपॉन का पेंट जो है वो बनवा रहे हैं, अच्छा सा, ठीक है ना, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम लोग तैयारी में पैसे खर्चेंगे तो फिर मज़ा आएगा ना। वो सेम पेंट बन गया हमारा यहाँ पर, वो करोला का है ब्लैक गोल्डन पर्ल के साथ ना, वो वाला पेंट बनवा लिया है।
इनको देते हैं हम लोग भाई को, जाकिर भाई को। जाकिर भाई इसको मतलब बाकी गाड़ी को पूरा रेडी रूडी करें, पिछला बम्पर इन्होंने तैयार करना है वो कर लें। उतनी देर में हम जाते हैं जाके एम जी का कट फ्रंट लेकर आते हैं और वो बिलालगंज ड्रॉप करते हैं। तो आप जुड़े रहें भाई के ब्लॉग के साथ। इसको भी बाहर निकालना है, एक बड़ा हैवी किस्म का टास्क है। जीप को लेके हम लोग चलते हैं, आपको पता है हमने जाके हाफ कट करके लेकर आनी है अपनी जी के लिए। मामू को देते हैं माफ़, तो वो जाके इसका स्पीडोमीटर और थोड़ी सी गाड़ी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है उसका काम करवाते हैं। तो आप जुड़े रहें ब्लॉग के साथ। और जी ये पहुँच गए हम लोग अपनी गाड़ी के पास और काशी को पकड़े। आज तो भाई बड़ा टाइट शाइट हुआ है, खदशत बनवाया है, क्या सीन है भाई? चले जी बॉयज चलते हैं हम लोग सीधा जाके अपने जीव का जो एक पूरा फ्रेम पड़ा उसमें से फ्रंट जी का जो हमारा फ्रंट पड़ा उससे आगे फ्रंट इसका काट के लेके आते हैं कुप्पा से, ताकि ये लोग अपना काम करते रहे। तो साथ रहे और ले बॉयज एक दफा फिर हम लोग RX-8 की हेवन में पहुंच गए। जीप अपनी अंदर लगाते हैं और जाके अपना जो हमें पीस कट करना है वो कट करते हैं। तो आप रहे साथ। ये चेक करें अंदर सीन सारे ऑन है। और ये चेक करें इन्होंने तो भाई ओरिजिनल जी खड़ी की हुई है और साथ ही साथ एक जीप भी तैयार कर रहे हैं। जीप के अंदर भाई इधर आओ, जीप का सेटअप दिखाऊँ आपको। इधर आओ चेक करो क्या डाला हुआ है। ये केच ऑफिस है। ओह वेरी नाइस यार, ये तो उड़ाएगी यार। फ्रंट व्हील को रियर व्हील किया हुआ है, बड़ा अच्छा काम है यार, ये भी अच्छा काम है। हमें भी इंस्पिरेशन यार, ये मीटर इसमें ओल्ड होना चाहिए। बहरहाल माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे भाई। ओए हो ये चेक करें यार, कैसे साफ किस्म के जी के फेंडर पड़े हुए। अच्छा जी हम लोग ऊपर आ गए, हम लोगों को ये फ्रंट का कट चाहिए था कुप्पों। आपको पता है हमारा जो सामान आया वो कुप्पों से पीछे पीछे आया था, ठीक है। अब हमें ये कुप्पों के पास से इसको कट करेंगे और जाके अपने फ्रेम्स और सारा काम करेंगे। कहीं करें भाई खोलें इसमें, बाकी सामान का भी गेड़ा कराऊँ। तो भाई ये देखें, लास्ट टाइम आया था सामान सेट नहीं किया हुआ था। अब ये देखें, ये जी का ट्रंक पड़ा हुआ है और ये सारी कट्स वगैरह सस्पेंशन पड़े हैं, ये जी के रिम टायर पड़े हुए हैं, RX-8 का कट, और इधर सारा 7 पड़ा हुआ है। मीन लाइक ये देखें अभी ऊपर जो पड़ी हुई है, डैशबोर्ड से आप पहचान जाएंगे कि ये RX-7 है, ठीक है। हाफ कट फ्रंट के ऊपर ये शायद RX-8 पड़ी है, फिर दोबारा नीचे ये 7 पड़ी हुई है, ये लाइट से पहचाने। बस ये सामान खुलवाते हैं और हम लोग पहुँचते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। तो आप जुड़े रहें भाई के व्लॉग के साथ ऐसे ही फिट कॉन्टेंट के लिए। और ये चेक करें, ये ओल्ड मॉडल को नए मॉडल में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्रोम रिम चेक करें, ये लास्ट टाइम सिर्फ आपको सामान नज़र आ रहा था, अब तो पूरी कन्वर्जन हो रही है यार, और माशाल्लाह फिट काम हो रहा है सारा। ये भी बाकी वो गाड़ी उठवाते हैं, उधर अपनी जीप लगाते हैं और हम लोग जो है ना भाई, इसका कोशिश है कि हम लोग सिलेंडर को ऊपर ना लेके जाएँ, पाइप ही यहाँ से ऊपर ले जाएँ भाई, सीढ़ियों का आसरा उसरा बड़ा काम ख़राब है। बहरहाल उसके बाद निकलते हैं, होप सो उसने FX हमारी रेडी कर दी होगी, जाके उसको स्प्रे मरवाते हैं। तो आपका भाई ऐसे ही फंसा रहता है, आपको पता ही है। तो आप लोग आपके भाई के ब्लॉग के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ले जी ये लगा दिए जीप, ये पड़ा हमारा सिलेंडर, अब बस होप्स हमारा ये पाइप जो है ऊपर तक पहुंच जाए, नहीं तो इन सीढ़ियों से चढ़ के हमें ये सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा ऊपर। और ये स्टार्ट होगी यहाँ से, रखे इसको कट करेंगे, ये आगे वाला पार्ट सारा हम लोग लोड करके साथ chase leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left। और ले जी ये दूसरा फ्रेम विद कुप्पा हमारा, ये भी बाहर आ गया है, एक ये पड़ा हुआ है। सिर्फ इस चीज के लिए हम लोग ऑल द वे लालगंज से निकल के फेज 7 आए। मैटा ये इधर बैठा, ये अब कर क्या रहा है, मैं बैठा आहा। हमने करना क्या होता है, ऐसे ही बैठना होता है आके। तो खैर ये लेते हैं सामान सारा, उठा के लेके जाते हैं अपनी K35 के पास। और अब ये होगा कि कुप्पे और फ्रेम इसके ओरिजिनल हो जाएंगे, ऐसे शॉक्स बैठेंगे, सारा सीन यस हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहे ब्लॉग के साथ। शाम हो रही है, देखते हैं। पीछे मैंने मामू को कहा है कि यार FX को पेंट करवाएं, सामान तो हमने सारा उसको सुबह ले दिया था, अब पीछे बंदा कोई नहीं, मामू फिल्म कर लें तो वो बेस्ट सीन हो जाएगा भाई, वो क्लिप सारे बीच में घुसा देगा। तो आप जुड़े रहें भाई के ब्लॉग के साथ। और ये हमारे डेंटल इधर से ओरिजिनल जी को देख रहे हैं कि भाई हाँ जी भाई जान इस तरह से आ जाएगा इंजन सेम। ये चीज़ आएगी इंशाल्लाह हमारी पूरी प्रॉपर। हमारे पास ना कुप्पों से पीछे पीछे था, इस चीज़ से पीछे था, अब हमने आगे वाला ये पार्ट भी ले लिया इंशाल्लाह। शॉक्स ऊपर हर चीज़ पूरे प्रॉपर तरीके से फिट करते हैं। सामान हमारा पूरा हो गया, रिम टायर भी निकलवा लिए, निकलते हैं और सीधा वर्कशॉप पहुँचते हैं साथ रहे। और ये जी हमारा भाई काशी निकाल रहा है जीप को, अंदर पूरा सामान हमने लोड कर लिया है। ये चीज़
सर जैसे मर्जी नहीं साथ बैठेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। लेके निकलते हैं कुछ खाते पीते हैं और हम लोग सीधा बस स्टॉप पहुँचते हैं, आप रहे साहब। और जी ये चेक करें जी, काम करें और खाना सीन ऑन ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। रोटी पराठा खा रहे हैं और काशी भाई और हमारे भाई दूसरे हमारे साथ हैं, लेंटर भाई, बस खाते हैं और सीधा पहुंचे वर्कशॉप, आप रहे साथ। शाफड़ का क्या किया है? ले जाओ बैठन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हैंग दे इसको तो नीचे यार। तो ले बॉयज ये पड़े हैं जी हमारे फ्रेम, ये काशी भाई खड़े हैं, ये काशी भाई सारे दिन से हमारे साथ हैं। ये सामान हमने पूरा साइड पे कर देना, ये दोनों फ्रेम को पास बेंध फिट कर रहे हैं, आगे का सीन फिर आगे देखेंगे। ठीक है जी, लगे रहे। ओके ओके, ये जी पे बैठ के बताता हूँ आपको। सीन ये है कि हम लोगों को ऑटो चैनल वन वालों से फोन आ गया कि भाई जान आपकी कचीड़ा को लगने लगा है पेंट, बेस बूस वो मार रहे हैं उसको, तो हमें पहुंचना पड़ेगा भाई यहाँ से निकल के सीधा उधर। कोशिश करूंगा कि सीढ़ा का व्लॉग मैं अलग कर दूं और ये जो भी काम हो रहा है इसका व्लॉग मैं अलग कर दूं, क्योंकि वो गिचमिच हो जाएगी थंबनेल में, मैं कितनी चीज़ें डालूंगा। तो चलते हैं सीधा ऑटो चैनल वन और वहाँ से अपने नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं।